सुधा को आज स्कूल से आते हुए देर हो गई। घर पहुंची तो 17 साल की बेटी ने दरवाज़ा खोला, गुस्से में मुंह लाल था। माँ, तुम देर से क्यों आई हो? आज वैलेंटाइन है, मैंने आपके साथ लंच पे जाना था। सुधा मुस्कुरा दी। मुस्कुराओ मत माँ, पहले बताओ आज देर से क्यों आई हो? सुधा ने हंसते हुए कहा, आज स्कूल से तुम्हारे पापा मुझे लंच पर ले गए थे, वैलेंटाइन है ना, इसलिए। बेटी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, वो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। सुधा भी अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को 5 बजे सुधा के हस्बैंड ने घर आना था तो बेटी का ट्यूशन जाने का टाइम था। सुधा के हस्बैंड सोफे पे बैठ के चाय पी रहे थे तो बेटी ट्यूशन जाने लगी। जाते जाते दरवाजे पे रुक गई। पापा, लव यू। रमेश अपने लिए यह शब्द पहली बार सुनकर हैरान हो गए और सुधा की तरफ देखकर बोले, क्या बात है, आज ये बहुत खुश है। सुधा भी हंस दी, आज वैलेंटाइन है ना, इसलिए। रमेश की आंखों में एकदम से एक प्रश्न सा आ गया। सुधा ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं इसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप मुझे आज पहली बार वैलेंटाइन पे लंच पे लेके गए ना, उसे अच्छा लगा। रमेश एकदम सोच में पड़ गया, मेरे छोटे से एक्शन से मेरा बच्चा इतना खुश, और मुझे ये करने में समझने में 18 साल लग गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी शर्मा। आज ये कहानी मैंने आज के समय को देख के बनाई है। बच्चे अपनी माँ का मान सम्मान होते देखकर बहुत खुश होते हैं। समय बदल रहा है, हमें भी समय के साथ बदलना होगा और उसी में हमें खुशियाँ भी बहुत मिलेंगी। तो चलिए अपने आप को बदलिए और खुशियाँ पाइए। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।